لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. मुझे मैं बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि मैंने इतनी लेट क्यों की क्वेटा में आने की. मैं 5.5 साल से पूरे पाकिस्तान में एक वेव चलाई हुई है. मैंने बड़ा ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पर देखा जो कि मैं नहीं समझ रहा था और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था. मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर हंगर है लोगों को सीखने की और इतनी अपॉर्चुनिटी है. लाहौर कराची बड़े बड़े शहरों में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. मेरा मुझे अब लगता है कि मुझे ज़्यादा टाइम बलोचिस्तान में स्पेंड करना पड़ेगा और यहाँ पर इनको डायरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी.
होगी क्योंकि इतने लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनमें से बहुत ज्यादा लीडर्स निकल सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर इक्विटी के बेस के ऊपर बलूचिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो सारे बहुत सारे डेवलप्ड एरियाज हैं। सर मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा आते हुए। सर आप कैसे देखते हैं कि यहाँ आपके जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं ये फर्स्ट टाइम इस तरह यहाँ पर हुआ है, तो बलूचिस्तान की रिसोर्सेज के हवाले से आपको पता होगा कि ये किस तरह ये रिसोर्सेज जो हैं हम इन रिसोर्सेज के थ्रू इकोनॉमी को जनरेट कर सकते हैं बलूचिस्तान यूथ के लिए। देखें इतनी ज़्यादा तो हमारी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं, तो ये देखना है, इनको समझाना है कि किस तरह से, जैसे मुझे किसी ने अभी कहा कि हमारे रिलेटिव जो हैं हमेशा कहते हैं क्वेटा से कंबल मंगवाना है, तो कोई भी ऐसा स्टोर मुझे नहीं मिलता जो कि ऑनलाइन बेच रहा हो और पूरे पाकिस्तान से लोग क्वेटा से कंबल मंगवा सके। तो क्वेटा की सारी एशिया ऑनलाइन मौजूद होनी चाहिए, लोग यहाँ से बिजनेस करें, अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ से सोर्स करें और पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में बेचें, क्योंकि यहाँ की प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया अपना लेबल लगा कर जब बेचती है तो क्यों ना ये खुद इन लोगों को बताया जाए कि ये कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ये डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक विजन की ज़रूरत है, एक बिजनेस माइंडसेट की ज़रूरत है, जो कि मैं समझता हूँ कि इसके लिए कुछ टाइम दरकार होगा और हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे। सर आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कोई इस तरह की कोई वहाँ का जो आपके एनेबलर्स हैं यहाँ पर कोई ऐसी ऑफिस वगैरह खोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे जी आज ही इसका कल रात को इफ्तिताह किया हमने एनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का, जिसमें चूँकि टेक्नोलॉजी हम समझते हैं कि बिजली की रफ्तार से जितनी तेज़ी से उभर रही है तो ये बड़े ज़रूरी है कि एनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज़ जो हैं क्वेटा के लोगों के लिए भी मौजूद हो और उससे अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए इन लोगों को जिससे फ़ायदा उठा सकें। सर इसमें आप बता सकते हैं कि कोई भी एज ग्रुप है, क्योंकि हम किसी कन्वेंस पहले इस तरह था कि 60 ईयर्स के बाद जो है वो बंदा जो है काम नहीं कर सकता, या बच्चों के लिए था कि आप जब 18 ईयर्स के नहीं होते आप कोई भी चीज़ ज्वाइन नहीं कर सकते, लिमिटेड हो गए थे, तो इस जो ई कॉमर्स के थ्रू कितना फ़ायदा हुआ है सर? मैं समझता हूँ कि इंसान को सारी ज़िंदगी लर्न ही करना चाहिए, सीखना चाहिए, बेशक वो बच्चा है बड़ा है, नॉलेज लर्निंग इज़ एक्चुअली बहुत बड़ा आर्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि पैसे बनाना ही मकसद हो, जब आप लर्न करते हैं चीज़ों को तो eventually you come to the business as well. तो हमारा मकसद ही सिर्फ ये है कि इनको लर्निंग की तरफ लाया जाए, एक ऐसी चीज़ों की तरफ जिसकी तरफ दुनिया जा रही है, जब वो सीखेंगे बेशक वो 60 साल का है या 15 साल का है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड लर्निंग विद अर्निंग विच लाइकली टू हैपन इफ़ यू पिक अप प्रॉपरली कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड लोगों के साथ जुड़े रहें, तो मैं नहीं समझता कि कामयाबी क्यों ना हो। What would you like to say, sir? मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ क्वेटा से और क्वेटा के लोग जितने खूबसूरत हैं, इतनी उनकी चीज़ें खूबसूरत हैं, और मैं समझता हूँ ये हर पाकिस्तानी पर ज़िम्मेदारी है, क्वेटा के लोगों के लिए भी ज़िम्मेदारी है कि वो एक दूसरे की हेल्प भी करें, अगर कोई एक कामयाब है तो दूसरे के साथ जुड़े। मैं इंशाल्लाह ये भी कहूँगा कि जो भी यहाँ पे मसाइल हैं हमने गवर्नमेंट को भी रेज़ किया है, जैसे इंटरनेट के मसले हैं ऑल दिस, तो उनको भी कैसे रिजॉल्व किया जाए ताकि एक अच्छी से अच्छी एनवायरनमेंट को क्वेटा में प्रोवाइड किया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार ज़ादा उसामा तरीन साहब, हम उनसे इस हवाले से, क्योंकि इनको ये क्रेडिट जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ये प्रोग्राम को है यहाँ पर कंडक्ट करवाया है और बलूचिस्तान में ये कभी भी इस तरह नहीं हुआ, तो इनसे हम जानते हैं कि इस इवेंट को आप किस तरह देख रहे हैं और फोरकास्ट क्या कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में किस तरह ये फ़ायदा देगा। जी सर, इसमें जो वालेकुम अस्सलाम, इसमें जो ये इवेंट है हम इसको इस तरह देख रहे हैं कि जैसे आपने देखा यूथ थी 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और यूथ हमारे पास आई थी, तो इसका ये मतलब है कि मैसेज है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारी जो यूथ है वो ग्रो करना चाहती है और उनको मौके फराम नहीं होते। ये इवेंट जो है ये लोग पहली दफ़ा साकिब अज़हर और फैसल अज़हर पंजाब से आए हैं क्वेटा, और इनको जब पहले क्वेटा का नाम आता था तो इनके जहन में मुख्तलिफ किस्म के सवाल आते थे कि सिक्योरिटी का मसला, क्या वहाँ लोगों की तालीम इतनी है या नहीं है, क्या वहाँ के लोगों की जो शहूर है वो इतना है नहीं है। लेकिन जब ये यहाँ पर आए, और कल भी हमारा पूरा दिन विजिट चलते रहे, हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट किया है और मुख्तलिफ इदारों के सरबराह से हम मिले हैं, तो इनको वहाँ जाके पता चला कि यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है बल्कि टैलेंट यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, और वो चैनलाइज कैसे होगा, एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, तो वो प्लेटफॉर्म जो इनेबलर्स की शक्ल में हम क्वेटा लेकर आए हैं। क्वेटा ना सिर्फ क्वेटा है, पूरे बलोचिस्तान का प्रोग्राम है, सिर्फ ये क्वेटा का नहीं है। इस वक्त जो है हमने इनको इस्टेब्लिश करने पूरे बलोचिस्तान में, दूसरे एरियाज़ के ऊपर भी हमारा फोकस है, क्योंकि इससे ये होगा कि हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमारे जो एरियाज़ हैं वो इतने दूर हैं कि इकानमिकली पॉसिबल नहीं है कि हम उनको इकानमिक उनकी स्टेबिलिटी लेकर आएँ, तो उससे कैसे कर सकते हैं हम, वो रास्ते रोड के रास्ते कैसे, थ्रू इंटरनेट। अब जैसे देखें आप, एक ग्लोबल विलेज बन चुकी दुनिया, वो किस तरह बनी, थ्रू इंटरनेट, तो हम चाहते हैं कि ये कनेक्टिविटी इनमें आए, और ये आज का इवेंट इस चीज़ का पैगाम है कि हमारे यूथ जो है वो चाहती है आगे बढ़ना, वो चाहती है तरक्की पसंद सोच है, हमारी जो है ये चाहते हैं कि जो मौके पाकिस्तान में बाकी शहरों में बाकी लोगों को मिल रहे हैं वो इनको भी मिलें,
और इसी तरह जैसे उनको तरक्की का मौका मिल रहा है हमें भी मिला जाए, तो इस वजह से ये इवेंट हमने खास कर क्वेटा में रखवाया है। ना कि हमेशा होता था हमारे बच्चे यहाँ से पंजाब जाते थे, कुछ भी उन्हें करना है, यूनिवर्सिटी पढ़नी है पंजाब जाएंगे, अच्छा कॉलेज पढ़ना है पंजाब जाएंगे, तो क्यों ना वो चीज़ हम यहाँ ले आएँ, क्यों ना वही स्टैंडर्ड हम यहाँ पर दे दें। और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, हमारे पास निज़ाम भी मौजूद है, हमारे पास असातज़ा भी मौजूद है। सिर्फ क्या है कि निगलिजेंस कहाँ हो रही है कि जो सुपरवाइजर्स हैं या जो हेड हैं वो उसको सही तरीके से सुपरवाइज नहीं कर रहे। तो इस वजह से आज का ये इवेंट हुआ और मैं फिर से अगेन इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनने हम पे भरोसा किया और यहाँ आए। वरना हमेशा जो है यहाँ की मनफी खबरें जाती हैं बाहर दूसरे सूबों में और मुल्क भर में, तो अभी इससे भी एक वहाँ पर भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि एक पुरमन इलाका है, यहाँ के लोग पुरमन लोग हैं, तरक्की पसंद लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, और यहाँ के जो नौजवान हैं स्पेशली उनमें एक ख्वाहिश है, उनमें एक एनर्जी है, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद यही था कि हमारी जो यूथ है इसको हम एम्पावर करें। बिल्कुल सर। सर दूसरी बात ये कि हमारा जो है सूबा जो है रिच है, यानी कि स्किल्स वगैरह बहुत है, अनलिमिटेड है। अगर देखा जाए कि हमारी जो ख्वातीन हैं जो ट्राइबल एरियाज में रहती हैं, मतलब वो हैंडीक्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छा जानती हैं। पहले इस तरह होता था कि उनके जो ड्रेसेस थे वो उनको वो इतना सरप्लस नहीं मिलता था, उनको उतना फ़ायदा नहीं मिल सकता था। उनके लिए आप कैसे देख रहे हैं क्योंकि ये स्किल जो है बहुत कम है? असल जो मेरा प्रोग्राम था मेरा फोकस जो था हमारे सूबे की ख्वातीन पर ज़्यादा था। वो किस वजह से कि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि ख्वातीन का बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन आजकल जिस तरह जो रोज़गार के हालात हैं तो आपको पता है कि एक बंदा अगर घर में कमा रहा है तो उसके लिए वो घर चलाना नामुमकिन हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि अगर एक शख्स के घर में अगर 5 अफराद हैं, हम उसको एज अफराद देखें, जिसमें से 4 ख्वातीन हैं, तो उन ख्वातीन की वजह से जो 4 एक्स्ट्रा उसके घर में लोग हैं जो कि काम नहीं कर रहे और उसके ऊपर बोझ हैं, तो हम क्यों ना उनको भी रोज़गार पर लगा दें। तो ये जो आपने बात की कि हैंडीक्राफ्ट है और इन चीज़ों का, इनका ऑनलाइन इनके लिए भी एक मार्केट बनाई जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करें, 26 करोड़ की हमारी आवाम है, हम अपने अंदर ही एक इकानमी है, विद इन द कंट्री हम इकानमी है, ठीक है। अगर आप 26 करोड़ में आपके पास 26,000 क्लाइंट भी आ जाएं तो आप समझें कि वो जीएनपी के जरिए से हम बहुत जी हाँ। तो उसमें अभी हमारी कुछ इदारों से बात हुई, हमने कहा कि ई कॉमर्स को स्पेशल सब्सिडीज दी जाए, खासतौर बलूचिस्तान में, कि इनका जो स्पेशल सब्सिडीज जाए, कि इनका जो पैकेज, इनकी जो भेजने की कॉस्ट है, जैसे आपका लेता है इसमें जीपीओ जो हमारा बेचता है, पाकिस्तान पोस्ट जो बेचती है, उसकी जो पैसे उनको स्पेशल सब्सिडाइज रेट दिया जाए ताकि जो इनकी डिलीवरी कॉस्ट है वो कम की जाए। सबसे बड़ा मसला आता है प्रोडक्ट 5,000 का है, डिलीवरी कॉस्ट 3,000 है, ये बड़ा मसला। अब वो बंदा देखते हैं 8,000 का, वैसे ही वही चीज़ 5,000 की मार्केट, हम चाह रहे हैं कि सब्सिडाइज रेट इनको मिले। प्लस जो एक सबसे अच्छी चीज़ है जो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि इनको जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाए, इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाए, इंटरेस्ट फ्री लोन जी बिल्कुल, ताकि ये यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको छोटे स्मॉल लोन्स दिए जाएँ, इंटरेस्ट फ्री हों, जिससे जो है फिर इनका कारोबार फ्लरिश करे। मसले आइडियाज़ हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, फंडिंग्स नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अभी स्टेप भी ले रही है बाकायदा, उस पर इन पर वर्किंग भी कर रहे हैं और इंक्यूबेटर सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का सोच रही है हुकूमत, इस पर हुकूमत भी काफ़ी सीरियस है और हमारी उनसे बातचीत हो रही है, वो इसको बलूचिस्तान को IT का हब बनाना चाहते हैं। हमने ऐसी जगह सेलेक्ट की है जहाँ दुनिया टाउन आपको पता है एजुकेशन सिटी बन चुके हैं, यहाँ पर तमाम स्कूल्स, तमाम ब्रांड्स के स्कूल्स मौजूद हैं। इसमें हमने जो किया है, एक तो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, रजिस्ट्रेशन उस पर होती है, उसके बाद जो है हमारा स्टेप इन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी जो एक ऐसी जगह पे हमने बनाया है जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, तो ऑलरेडी वो स्कूल सुबह क्लास लेने आते हैं या सुबह जो है वो आते हैं अपनी अकेडमीज में, शाम को आते हैं, तो उनके लिए ये कि एक तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं पड़ी, उनके नज़दीक ये हमने सेटअप बनाया है, इधर सिटी स्कूल के नज़दीक ही हमने बनाया, जिना टाउन में बनाया हुआ हमने, उसमें लैब्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो उसमें एक दूसरी चीज़ ये कि थ्रू फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हमारी रजिस्ट्रेशन मौजूद है, तो उसके थ्रू जो है हम इसको बच्चे हम तक पहुँच सकते हैं और इस काम को आगे भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है, मैं जो हूँ क्वेटा में, क्वेटा से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज जैसा कि हमने देखा कि साकिब बदर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, तो बड़ी खुशी हुई हमें वो आए और हमें मोटिवेट किया और ई कॉमर्स के बारे में हमें काफ़ी कुछ समझाया। हमें काफ़ी मुश्किल आ रही थी अमेज़ोन के रिलेटेड और जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हैं, हमें काफ़ी मुश्किल आ रही थी। सर ने काफ़ी हमें क्लियर किया कि चीज़ें कैसे आप लोग हैंडल कर सकते हो हार्डनेस को और अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन कर सकते हो।
जना एलीट स्कूल आज से 3 साल पहले हमने इस्टेब्लिश किया था, जो कि फेडरल बोर्ड के साथ इसकी एफिलिएशन है। तो फॉर्मल एजुकेशन में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है। ओवरऑल बलूचिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में आप इसको सबसे बड़ा ग्रुप कह सकते हो। और जो एक चीज़ हमारे एजुकेशन के पूरे सिस्टम के अंदर हम लेक कर रहे थे, स्कूल भी हमारे था, एकेडमीज भी थी, देन BGC कॉलेज आपके सामने एक बहुत अच्छा ग्रुप बन रहा है, जो हम लेक कर रहे थे वो ई कॉमर्स के सेक्टर में। इस गैप को फिल करने के लिए, इस बलूचिस्तान की यूथ को एक अच्छी डायरेक्शन में मोटिवेट करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए, यूथ को एंगेज करने के लिए हम ई कॉमर्स का इनेबलर, जो कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में एक बेहतरीन ब्रांड है, साकिब बाज़ार जैसा कि हमारा चीफ गेस्ट था, ई कॉमर्स का टाइकॉन है पाकिस्तान में, तो उसको इनवाइट किया ताकि यूथ को मोटिवेट कर सके, जो कि आल दो उसकी फर्स्ट ट्रिप था क्वेटा में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है, अगर बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी प्लेटफॉर्म्स आप दे देते हो तो बच्चे एक्सेल करने में देर नहीं लगती है, मोटिवेट हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में ये टैलेंट मौजूद है। वन ऑफ देम मतलब मुनवर साहब की एग्जाम्पल जो कि आपके सामने थी, अब तो लोगों में अवेयरनेस भी आई है, बलूचिस्तान को किसी भी सूरत में आप पीछे नहीं देखोगे। तो अल्टीमेट इस CPAC के अंदर जितने टेक्निकल इस किस्म के अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, जिसमें आपकी यूथ एंगेज हो जाएगी, तो फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर आपको पता है स्किल्स का है, बिल्कुल डेफिनेटली बलूचिस्तान के बच्चे को भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी जो लाहौर, कराची या दूसरे सिटीज़ में। तो इसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन जो घर में बैठी है उनके लिए अर्निंग का एक बेहतरीन सोर्स है, वो अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें इस प्लेटफॉर्म के, इनेबलर के प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद वो स्किल्स सीखने के बाद घर बैठे वो अपने लिए एक अर्निंग का एक बहुत बेहतरीन सोर्स, एक अच्छी स्किल सीख सकती हैं इनेबलर। ख़ास तौर पे जो बच्चे फ्यूचर में IT में जाना चाहते हैं या वो ICS के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम इनेबल करें इनेबलर्स के साथ, उनको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हम ऐसे दें। जैसे कल हमारी मीटिंग थी VC साहब के साथ, ब्यूटम के VC साहब के साथ, उसने हमें ये कहा अगर ये कुछ स्किल्स आप बच्चों में डेवलप करते हैं FSC लेवल पे, तो उनको हम आगे NTS के जो टेस्ट हैं उससे हम एग्जम्पशन उनको दे सकते हैं। मिनिस्टर के साथ बड़ी इन डिटेल बात हुई है, यही खास तौर पे जो बैरियर है, जो हडल है, वो इंटरनेट कनेक्शन। इसमें एक ही आपके पास लैपटॉप और दूसरे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए इस बिज़नेस को, क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है, दुनिया को एज ए ग्लोबल विलेज आपने देखना है। आप यहाँ बैठे जापान के साथ बिज़नेस कर सकते हैं, जर्मनी के साथ, पूरे दुनिया के, ओवरऑल पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री की में बैठ के डॉलर में अपनी इनकम को अर्न कर सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन यूथ के लिए एक बेहतरीन सोर्स है। तो इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही है, खासतौर पर IT मिनिस्टर। इन बिटवीन लॉजिस्टिक के बड़े इश्यूज आ रहे हैं, बिल्कुल एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लॉजिस्टिक के इश्यूज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी इस हवाले से हमारी हेल्प कर लेगी। बलूचिस्तान इज़ रिच कल्चर, और मैं खुश हुई इस चीज़ से कि बलूचिस्तान के लोगों को, अगर लड़कियां हैं, लड़के हैं, मर्द औरत है, ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप प्रमोट कर सकते, बट पॉइंट इज़ अवेयरनेस नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये प्लेटफॉर्म आया, ये हमारे यूथ को, हमारे जो कल्चर है उसको प्रमोट कर रहा है और अवेयरनेस हमें दे रहा है कि हम किस तरह अपने कल्चर को आगे दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते, जिसकी वजह से बलूचिस्तान का जो ये कॉन्सेप्ट है लोगों का कि बलूचिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, बलूचिस्तान पीछे है, या बलूचिस्तान इस तरह, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। बलूचिस्तान का टैलेंट आके आ सकता है इस चीज़ से, बलूचिस्तान की बहुत सारी नई चीज़ें आगे आ सकती है, जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा है। आप एक बच्चे के सामने दीवार खड़े करोगे, बच्चा आगे नहीं जा पाएगा, अगर खुला रास्ता होगा बच्चा आसानी से चल पाएगा। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ दोगे, लोगों को बताओगे तो लोग सीखेंगे, कहते हैं ना घेर के पैर उठ के बंदा सीखता है। तो इसी तरह एक्सपीरियंस से वी लर्न डिफरेंट थिंग्स, फ्रॉम लिटिल थिंग्स वी लर्न डिफरेंट थिंग्स, तो यही बात है। सर, टुडेज़ इवेंट, अगर आज की इवेंट के बारे में बात की जाए तो ये एक मतलब एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली बलूचिस्तान के लोगों के लिए, कि मतलब एक इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पे हमें मतलब बलूचिस्तान में अपने घर में ही मिली, और इसमें हम लोग पूरी दुनिया के साथ जो है वो इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मतलब सर फैसल साहब ने बात की कि मतलब हमारे यहाँ के बलूचिस्तान के बारे में, क्वेटा के बारे में अगर लोग सुन लें तो वो डर जाते हैं, आते भी नहीं है, मतलब वो इतने टाइम से
से 2018 से वो चला रहे, लेकिन उन्होंने कोई सेमिनार भी नहीं किया था। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि उनको मतलब फेमिलियर नहीं थी कि यहाँ का सोशलाइजेशन कैसा है, यहाँ के बारे में। बाहर अगर हम पंजाब में जाए या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जाकर मतलब ये बात सुने, तो एक बहुत बैकवर्ड इलाका जो है वो कंसीडर किया जाता है। और इस प्लेटफॉर्म से जो है वो हम उसको बहुत ज़्यादा आगे जो है वो लेके जा सकते हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि आपने मतलब अपनी ग्रूमिंग जो है वो इस तरह करनी है कि आप किसी के साथ भी कम्पीट कर पाओ, आप ईजिली जो है वो कम्पिटेटिव, चाहे वो किसी भी प्रोविंस से हो, किसी भी टेस्ट में हो, तो आप इजीली जो है उसका कम बैक करके आप अपनी जो है वो अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है उसको अवेल कर सकते हैं। मतलब इसमें अर्निंग अच्छी खासी, अर्निंग की बात अगर हम करें तो अर्निंग में मतलब आपको जो है एक बहुत ही अच्छी मौके, जैसे अमेजोन जो है आजकल पूरी दुनिया में ग्लोबली जो है वो एक बेस्ट अर्निंग जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है, जो कि मिलियन में जो है वो लोग कमा रहे हैं मंथली, जो कि हमारे पाकिस्तान में यानी अगर कोई बंदा बेस्ट जॉब भी कर पाए तो वो उसमें लिमिटेड होता है, उसको वही स्पेसिफिक टाइमिंग उस जॉब को देनी होती है और उसी स्पेसिफिक टाइम में वो कर सकता है। लेकिन ये जो मौका है, ये जो प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, आप अपनी मर्जी का, यानी स्पेशली यूथ के लिए सुबह जल्दी जो है वो नहीं उठ सकते, उनको लेट उठने की जो है वो आदत लग जाती है, मतलब पेरेंट्स कॉन्टेक्चुअल अर्निंग होगी, एग्जैक्टली मतलब पेरेंट्स उसको इतनी लाड़ प्यार से पाल लेते हैं, उनको उठना फिर मुश्किल होता है जॉब के लिए, तो वो आप अपनी मर्जी से जो है वो उठकर 12 बजे उठकर आप जो है 2 बजे तक 2 घंटे देकर आप मंथली जो है इजीली इनकम कर सकते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अनुश, मैं क्लासिक से ताल्लुक रखता हूँ। आज हमें इधर स्कूल बुलाए गए एक इवेंट के ऊपर, जिसका नाम है इनेबलर्स। इनेबलर्स एक ऐसी ऐप है जिसकी मदद से हम लोग ऑनलाइन क्या कहते हैं बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे बलूचिस्तान में कुछ औरतें ऐसी हैं जो मतलब घर से बाहर नहीं जा सकती हैं पैसे कमाने के लिए, तो उनके लिए ये ऐप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो और जो हमारी ख्वातीन हैं वो मतलब इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे पैसे भी कमा सकती हैं। मेरा नाम मीशा मेरे बलोच और मैं क्लास 6 से ताल्लुक रखता हूँ। आज ये जो इवेंट हुआ ई कॉमर्स और एबलेंस की वजह से, इससे पहले लोग बोलते थे खाली बड़े लोग पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आजकल छोटे लोग भी कमा सकते हैं ई कॉमर्स की वजह से। आज इसका कोई एज ग्रुप नहीं है और कोई और चीज़ नहीं है, ई कॉमर्स इन्होंने जो चीज़ें मैंने बोलते कि। अस्सलाम वालेकुम, मैं मून क्लास 6 ट्यूलिप से। तो ये इवेंट जो आज हमें बुलाया गया, ये इवेंट बहुत ही अच्छा है। मतलब अब पहले जो है हमें पैसे कमाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए हमें मतलब घर से बाहर जाना पड़ता था, और मतलब ये बच्चों के मतलब बस के काम नहीं थे, लेकिन अब भी बच्चे भी घर में बैठकर खुद ये काम कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। जिस तरह मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं इसमें वीडियो एडिटिंग भी कर सकता हूँ और सब कुछ मतलब जो इसमें सिखाने के लिए हो सकता है वो ये सिखा रहे हैं, तो मेरे लिए मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इवेंट होगा। बलूचिस्तान इज़ फुल ऑफ स्किल्स। यहाँ पे बच्चों के पास, यंग जनरेशन के पास इतनी स्किल्स है, बट इनका कोई ज़रिया नहीं था कि वो अपनी स्किल्स को और बूस्ट कर सके। मेरा नाम मंजिला बुखारी है, मैं क्लास 8 जैस्मीन में पढ़ती हूँ। आज जैसा कि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सर मुनव्वर कासी ने हमें बताया कि वो जो पहले एक टीचर हुआ करते, एक आम से टीचर हुआ करते थे, आज अगर वो चाहे तो वो ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर वो स्कूल नहीं आना चाहते, तो वो ऑनलाइन भी मतलब पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे औरतें होते हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, बहुत सारे मसरूफियात की वजह से कर नहीं सकते, या कुछ ऐसे घर के मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो मतलब बिजनेस कर नहीं सकते, तो वो ऑनलाइन बिजनेस अगर कर ले। जैसे हम लोग पठानी ड्रेस बनाते हैं, बलोची ड्रेस, इसी तरह सिंधी हम लोग बनाते हैं, पाकिस्तान बेचेस का इतना प्रॉफिट नहीं होता, अगर हम लोग इसको मतलब बाहर मतलब बेच दे तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है, पैसे डॉलर में आ सकते। मेरा नाम मरियम है और मैं क्लास 8 जैस्मिन से ताल्लुक़ रखती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म सर साकिब अज़हर एंड सर फैसल अज़हर ने क्रिएट किया है, ये प्लेटफॉर्म जो है हमारे लिए की टू सक्सेस है। इससे पहले हमारे जो यूथ थे, यंगस्टर्स थे, उनके टैलेंट्स मतलब एज वी कैन से इधर ज़ाया हो रहे थे, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकते। तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारे जो यूथ है, यंगस्टर्स है, वो अपने टैलेंट्स को शोकेस कर सकते हैं। सो दिस प्लेटफॉर्म इज़ द की टू सक्सेस। ये जो प्लेटफॉर्म है ये पॉवर्टी को भी ख़त्म कर सकता है। एक्चुअली आज कल जो जितने भी जॉबलेस पीपल है, जितने भी जॉबलेस पीपल है, तो वो टू इंक्रीज़ दी अमाउंट ऑफ मनी। सो ये हमारे लिए एक काइंड ऑफ जॉब भी है।
मेरा नाम मानू जैरी है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। जैसा कि हम इस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इवेंट बलूचिस्तान में पहली दफ़ा स्पेशली हमारे स्कूल जिना एलीट स्कूल में हो रहा है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू सर साकिब अजहर और सर फैसल अजहर कि वो लाहौर से क्वेटा हमारी यूथ को गाइड करने के लिए आएँ। जैसा कि हम बलूचिस्तान में रहते हैं तो बलूचिस्तान में स्पेशली बलोच और जो पठान हैं वो अपनी फीमेल्स को ज़्यादातर अलाउ नहीं करते जॉब करने के लिए, तो वो ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, वो ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं और स्पेशली जो बलोच औरतें हैं वो घर में बलोची सूट बनाकर उन्हें सेल कर सकते हैं और स्पेशली वो उन्हें अमेज़ोन पर सेल कर सकते हैं, उन्हें बाकी लोग भी देख सकते हैं और वो डॉलर्स में भी कमा सकते हैं एंड वी आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू सर उसामा तरीन क्योंकि ये उन्हीं की विजन की वजह से हुआ है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम क्लास 9th अलाइट। आज जो फंक्शन हमारे स्कूल में फ़र्स्ट टाइम हुआ है, ये बल्कि हमारे स्कूल में ही नहीं पूरे हमारे प्रोवेंस बलूचिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हुआ है और इसमें हमारे साथ सर फैसल अजहर और सर साकिब अजहर भी शामिल है और बहुत फ़ख्र की बात है कि वो लाहौर से यहाँ आए हमें यूथ गाइडेंस करने के लिए। मैं एक फ़ीमेल होने के नाते मैं ये बात बता सकती हूँ कि हमारे बलूचिस्तान में काफ़ी ऐसे लोग मर्द हैं जो कि औरत का घर से बाहर निकलना और एजुकेशन अचीव करना पसंद नहीं, तो उन फीमेल्स के लिए मेरे पास बहुत अच्छा मशवरा है कि वो ऑनलाइन बिजनेस करें, से उनका ये फ़ायदा होगा कि वो ऑनलाइन अगर बैठे बैठे वो डॉलर्स कमा सकते हैं। दिस इज़ मी अलिशवा फ्रॉम क्लास 9 फ्रॉम जिना एलीट स्कूल। मैं ये फर्क हम अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, हमारे जितना बिजनेस के बाद बिजनेस कर सकते हैं, हमारा जो पाकिस्तान का यूथ है वो कैसे बिजनेस कर सकते हैं, इनेबलर्स ने हमें समझाया। आई एम रमेशा फ्राम जिना एलीट स्कूल फ्राम बलूचिस्तान बोर्ड और मैं आज इनेबलर्स कॉलेज से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ जब ये हमारे पास आए, इन लोगों ने हमें बहुत से ऐसे स्किल्स के बारे में बताया जो हमें पता भी नहीं था और हम बलूचिस्तान वाले बहुत ही ख्वाहिशमंद थे इन स्किल्स को सीखने के लिए और हम बहुत ही खुश हैं। आज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ हमें, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत फ़ायदा हुआ हमें। मेरा नाम सिद्रा है, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ, जिना एलीट स्कूल में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम था, ये इस प्रोग्राम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जो भी सर ने हमें लेक्चर दिया ये बहुत सही था, हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मीरज है, आई एम स्टडी मैं क्लास 7 जैस्मिन की स्टूडेंट हूँ और आज हमारे स्कूल में जो फंक्शन हुआ इससे हमें ये पता चला कि वुमेंस की फैसिलिटीज़ के भी बलूचिस्तान में वुमेंस को अर्निंग कैसे की जाती है और हमें ये भी पता चला कि ना अर्निंग कैसे की जाती है ईजीली। आप जी नाज़रीन, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का इवेंट बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और जितने भी यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स हैं सबको बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रोग्राम को भी मैं कंक्लूड करता हूँ कि जितना भी हो सके अपने बच्चों को जो है जो भी जिसका टैलेंट है उनको आगे लाइए, ख्वाब किसी भी जेंडर से है, आप अपने जो है बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स में जा सकते हैं। पहले इस तरह हुआ करता था कि बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हुआ करते थे, बहुत ही लोग जो है वो एक ही काम उनको आता था, लेकिन अभी वो घर बैठे इस तरह भी हैं कि कुछ बच्चे जो स्कूल नहीं जाना चाहते या कोई इस तरह है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट होकर ही अपने वालदेन से इंडिपेंडेंट, अपनी फैमिली से इंडिपेंडेंट वो अर्निंग कर सकते हैं और वो बहुत आगे जा सकते हैं। कोई भी शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि रेस रियली वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज, तो हमारे बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो यूथ है, इससे बहुत ही इन्होंने फ़ायदा लिया और फोरकास्ट में यही करता हूँ कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान जो है बहुत ही IT के हिसाब से, ई कॉमर्स के हिसाब से बहुत ही मशहूर होगा। और नाज़रीन, मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि ब्यूटीम्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है, ना बल्कि बरवक्त टीवी, ना बल्कि पाकिस्तान में मशहूर है बल्कि दुनिया के और वर्ल्ड लेवल पर बहुत मशहूर है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं नई नई इन्वेंशन करते हैं, हाईली इंटेलिजेंट हैं और हाईली स्टूडियस। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा कि इसने अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बरवक्त टीवी से अपने मेज़बान ज़ोहेब नासिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, बहुत शुक्रिया।